विजय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में, वैभव देश। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी सियासी खबर है, सपा और रालोद में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सपा और रालोद में 40 सीटों पर गठबंधन होगा। रालोद को 36 सीटें देने पर सहमति बन गई है, सूत्रों के हवाले से खबर है। और कहां कहां पर सहमति बन गई है वो भी हम आपको बताएंगे। 4 सीटों पर फैसला हुआ है, 1 या 2 दिन में संभव हो जाएगा। 7 दिसंबर की मेरठ रैली से पहले यह महागठबंधन का औपचारिक ऐलान हो जाएगा और 7 दिसंबर को मेरठ में अखिलेश जयंत की संयुक्त रैली होनी है। लेकिन इस बीच की बड़ी सियासी खबर यह है कि 40 सीटों पर गठबंधन होना है, 36 सीटों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन 4 ऐसी सीटें हैं जिन पर पेच फंसा है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि रालोद और सपा के बीच सीटों पर सहमति बनी है, 36 सीटें देने पर सहमति है, लेकिन 4 सीटों पर 1-2 दिन में फैसला संभव है। 7 दिसंबर को मेरठ रैली से पहले यह गठबंधन का औपचारिक ऐलान होगा और 7 दिसंबर को मेरठ में अखिलेश और जयंत की संयुक्त ताकत वाली रैली होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सपा और रालोद 40 सीटों पर गठबंधन करेंगे, लेकिन 36 सीटों पर सहमति बन गई है। जिन 4 सीटों पर फैसला अभी रुका है उसमें 1-2 दिन में सहमति बन जाएगी। 7 दिसंबर की मेरठ रैली से पहले गठबंधन का औपचारिक ऐलान होना है और 7 दिसंबर को मेरठ में अखिलेश जयंत की संयुक्त रैली होनी है, क्योंकि जो सियासी हालात बने हैं उसमें समाजवादी पार्टी हो चाहे रालोद हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संभावनाएं इनको ज्यादा लग रही है। क्योंकि जिस तरीके से 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें, 136 में से 109 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन किसान आंदोलन के बाद जिस तरीके से समीकरण और हालात बने हैं उन सब के बीच बीजेपी को घेरने के लिए जो गठबंधन हो रहा है उन सब के बीच सीटों पर सहमति बनी है। जो जानकारी है उसके मुताबिक रालोद के हिस्से में जो संभावित सीटें वो हम आपको बता रहे हैं। सहारनपुर की बात करें तो देवबंद, रामपुर और मनिहारन सीट रालोद को मिल सकती है। वहीं अगर हम मुजफ्फरनगर की बात करें तो 5 सीटों पर रालोद यहां से चुनाव लड़ेगी। मुजफ्फरनगर शहर, पुरकाजी, मीरापुर, खतौली, बुढ़ाना पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी। सपा और रालोद में सीट बंटवारे पर जो सहमति बनी है इसमें 5 सीटें जाने वाली है मुजफ्फरनगर की रालोद के खाते में, जिसकी 6 की 6 सीट भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जीती थी। वहीं अगर हम आगे बात करें अन्य जिलों की, पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तो बिजनौर में, बिजनौर सदर और नहटौर में आरएलडी चुनाव लड़ने जा रही है, इस सीटों पर भी सहमति बन चुकी है। वहीं अगर हम मेरठ की बात करें तो मेरठ कैंट, सिवाल खास में आरएलडी चुनाव लड़ने जा रही है। शामली की बात करें तो शामली की 2 सीटें आरएलडी को मिल रही हैं, शामली और थाना भवन से आरएलडी चुनाव लड़ेगी। वहीं बागपत, जो कि गढ़ है आरएलडी का, वहां पर बागपत, बड़ौत और छपरौली सीट पर आरएलडी चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि छपरौली में केवल 1 विधायक आरएलडी का 2017 में जीता था, वो भी बाद में भाजपा में चला गया। गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद में आरएलडी मोदीनगर, मुरादनगर और लोनी में चुनाव लड़ने जा रही है। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर सीट पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी। वहीं अमरोहा की अगर हम बात करें तो नौगांव और सादात अमरोहा क्या आरएलडी के खाते में जा रहा है। मुरादाबाद में कांट सीट पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी। बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर, अनूपशहर समेत 4 सीटें आरएलडी को मिलेंगी। अलीगढ़ की बात करें तो खैर इगलास, हाथरस में सादाबाद सीट आरएलडी को मिल रही है। और वहीं अगर हम बात करें मथुरा की तो छाता, बलदेव, गोवर्धन और जो मार्ट सीट है वो आरएलडी के खाते में जाएगी। यहां पर मार्ट सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जयंत चौधरी मार्ट सीट से 2012 में चुनाव जीत चुके हैं। बलदेव भी बड़ा गढ़ माना जाता है आरएलडी का। आगरा की अगर हम बात करें तो फतेहपुर सिकरी और दयालबाग सीट आरएलडी के खाते में जाने वाली है। तो 40 सीटें आरएलडी मांग रही है, 36 पर सहमति बन गई है और माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिनों में 4 सीटें जो बच रही हैं उसमें भी समझौता हो जाएगा। लेकिन जो गठबंधन का फॉर्मूला है वो सपा और आरएलडी के बीच लगभग तय हो गया है और सहमति सीटों में बन चुकी है। ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत जी, जिस तरीके से गठबंधन को लेकर सहमति बन रही है, क्या जानकारी मिल रही है और जो सीटें आरएलडी को मिल रही है कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी ताकत इनकी इन सीटों पर? अवधेश, देखिए, चूंकि अभी भी मीडिया में लगातार ये खबरें कई बार कहीं प्लेटफॉर्म पर चलती हुई देखी जाती हैं कि गठबंधन में पेच फंस गया है, गठबंधन होगा कि नहीं होगा, इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन
मैं आपको ये भी बता दूं कि गठबंधन करने के अलावा दोनों पार्टियों के सामने कोई रास्ता भी नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी अगर इस बार गठबंधन नहीं करेंगे तो उनको, वो भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होना है। तीसरी बहुत अहम बात है कि दोनों के बीच जो दो तीन दिन पहले लखनऊ में बैठक हुई थी अखिलेश और जयंत के बीच में, उसमें सीटों पर साझेदारी का एक फार्मूला तैयार हो गया है। और जितनी सीटें अभी आपने एबीपी गंगा के दर्शकों को बताई है उसमें गौतम बुद्ध नगर की एक सीट और जोड़ लीजिए जिसका नाम जेवर है, वो भी राष्ट्रीय लोकदल के खाते में चली गई है। लगभग जितनी संभावना इन सीटों पर हमने एबीपी गंगा के ने अपने दर्शकों को दिखाई है, जेवर भी उसमें एक सीट है जो इसमें प्लस होगी। इसके अलावा जैसे मैं सहारनपुर की बात करूंगा तो सहारनपुर बेहद एक नंबर से एक सीट शुरू होती है, वो समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। ऐसा मूल्यांकन करना सीट वाइज बहुत मुश्किल होगा और बहुत इसमें समय भी चाहिएगा, लेकिन सहारनपुर में दो सीट देवबंद और रामपुर मनिहारन ये लोकदल को देने पर सहमति बनी है। अभी लोकदल वहाँ पर एक सीट है नागल, तो नागल सीट पर भी अपना दावा जता रहा है। इसके बाद फिर शामली में तीन विधानसभा सीटें हैं, तीन में से दो थाना भवन और शामली जयंत को दी जा रही हैं। मुजफ्फरनगर की छः सीटों में से पांच सीटें लोकदल को दी जा रही है, लेकिन एक सहमति ये बनी है कि मुजफ्फरनगर सदर से जो भी कोई प्रत्याशी लोकदल खड़ा करेगा तो उसमें जयंत की भी सहमति होगी। तो इस तरह से ये पूरा एक जैसे बिजनौर का, जैसे अभी अपने अपने दर्शकों को बताया जिले वाइज जो एक फिगर दी है, जो जिनकी संभावना है, जिन पर सहमति हो गई है, तो ये चूंकि इस बार दोनों नेता जानते हैं कि इससे बड़ा अवसर नहीं हो सकता, किसान आंदोलन को एक कैश करने के लिए एक दूसरी परिस्थिति कभी ऐसे तैयार नहीं होगी, पैदा नहीं होगी। और दोनों लोग जानते हैं, अखिलेश भी जानते हैं, जयंत भी जानते हैं कि इस बार जैसा अवसर प्राप्त हुआ है वो बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। किसान आंदोलनों का जो सीधा फायदा हो रहा है वो राजनीतिक विश्लेषक भी बताते हैं, वो लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को होता दिख रहा है, होने की संभावना है। बिल्कुल, लेकिन तो जयंत को जो सीटें अभी जिन पर सहमति बनी है वो दी गई हैं, वो आप सहारनपुर से देखेंगे मथुरा तक, दयालबाग तक, वो वही सीटें हैं जो लोकदल के परंपरागत वोट हैं। हालांकि लोकदल अभी इस बात पर अड़ा है कि अवध में भी उनको एक आध सीटों पर हिस्सेदारी दी जाए, ताकि ये पश्चिम का जो तिलिस्म है, पश्चिम का जो ये मिथक है कि हम पश्चिम की पार्टी, इसको हम तोड़ना चाहते हैं। तो अवध क्षेत्र में कौन सी एक सीट मिलने वाली है, मिलने की संभावना है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन फिलहाल जितनी सीटें आपने 36-37 सीटें आपने बताई है, 36 सीटें लगभग उन पर सहमति बन गई, जो चार पांच सीटें हैं, चार सीटें लगभग या तीन या चार जो भी हो सकती है, उनमें गाजियाबाद की गढ़ भी हो सकती है, अनडिवाइडेड गाजियाबाद की गढ़ हो सकती है, चूंकि अब वो हापुड़ जिले में चला गया है, और चूंकि बागपत उनका गढ़ है, बागपत जिले में तीन सीटें हैं, तो तीनों पर उनका दावा बनता है। तो अखिलेश ने दे दिया, एक तरह से अगर हम देखते हैं कि बागपत जो लोकसभा है उसमें पांच सीटें आती हैं, मोदीनगर शिवालखास, मोदीनगर गाजियाबाद जिले की है, और शिवालखास मेरठ जिले की है, और तीन सीटें बागपत की है। तो पूरी लोकसभा एक तरह से राष्ट्रीय लोकदल को दे दी गई है बागपत लोकसभा। तो इसी तरह से बुलंदशहर, मथुरा, जो जहां कहीं समाजवादी पार्टी बड़ा भाई है तो कहीं लोकदल बड़ा भाई है, अलग अलग जिलों में अलग अलग हैसियत, उनकी राजनीतिक हैसियत के हिसाब से सीटों का आवंटन होना बाकी है। जो संभावना है, जो सहमति बनी है, वो आपने अभी एबीपी गंगा के दर्शकों के सामने। बिल्कुल राजीव जी, लेकिन अगर हम बात करें मुजफ्फरनगर की, जिस तरीके से दंगों के बाद पूरे समीकरण बदले थे, ध्रुवीकरण हुआ था, और हालत यह आई कि 136 में से 109 सीटें बीजेपी ने जीत ली, 20 सपा ने जीती, 3 बसपा, 2 कांग्रेस और 1 केवल आरएलडी जीत पाई थी, तो क्या उसी के मद्देनजर मुजफ्फरनगर में अब ये 5 सीटें जो जयंत चौधरी को मिल रही हैं, क्या समाजवादी पार्टी वहां से दूर हट रही है, या फिर समीकरण आरएलडी के पक्ष में ज्यादा है, ये क्या समीकरण है जो सीटों का बंटवारा हो रहा है? जी देखिए, इसमें सबसे बड़ा कारण तो मैं आपको बता दूं, अवधेश, सबसे बड़ा जो कारण है, जो आरएलडी जो आज थोड़ा इधर पश्चिम में भारी पड़ रही है या सम्मानजनक एक स्कोर अपने समझौते में लेकर आ गई है, वो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो किसान आंदोलन है। और जो 2013 के दंगों की जो बात अलग अलग समय पर, अलग अलग प्लेटफार्म पर, अलग अलग लोगों द्वारा की जाती है, मुझे लगता है कि उसको बस खाली याद दिलाने की कोशिश पॉलिटिशियन कर रहे हैं, बाकी जितना ग्राउंड पर, जितना धरातल पर किसान आंदोलन का इम्पैक्ट है, उसे लोकदल पूरा कैश करने में सफल हो गई। दूसरी बात यह है, किसान आंदोलन के दौरान अगर किसी पॉलिटिशियन ने सबसे ज्यादा राजनीतिक रैलियां की हैं किसानों के समर्थन में, तो वो जयंत चौधरी थे। उन्होंने लखीमपुर खीरी से लेकर और भरतपुर और जोधपुर से लेकर पूरा पश्चिमी यूपी और हरियाणा तक उन्होंने तमाम जनसभाएं की हैं। तो इससे समाजवादी पार्टी को भी इस बात का आभास है, एक तो उनके परंपरागत वोटर वेस्टर्न यूपी में बड़ी संख्या में हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा, और दूसरा जो किसान आंदोलन है, चूंकि आप जानते होंगे अगर अतीत में जाएंगे तो महेंद्र सिंह टिकैत ने एक पार्टी अलग बनाकर अजीत सिंह को उसका अध्यक्ष बनाया था, और चूंकि वो भले ही राजनीति में ना आए हों, लेकिन एक अप्रत्यक्ष तौर पर सपोर्ट उनका लोकदल को रहता था, और महेंद्र सिंह टिकैत के दौरान उनके समय से और अब तक ये चला आ रहा है। और चूंकि किसान आंदोलन की बागडोर राकेश टिकैत के, नरेश टिकैत के हाथ में है,
तो पश्चिमी यूपी की जो 125 से ज्यादा सीटें हैं, ये ऐसा कहते हैं, हालांकि एक आंदोलन तो पूरे प्रदेश का है, पूरे देश का है, जैसा लोकदल और सपा के या कांग्रेस के लोग दावा करते हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी में डेंस तरीके से इस आंदोलन का प्रभाव देखा गया है और इसी को कैश किया जयंत ने किसान आंदोलन के बाद। और यही वजह है कि सहारनपुर जैसे गुजर बाहुल इलाके में भी 2 सीटें लेने के बाद जयंत चौधरी तीसरी नागल सीट पर अभी भी अड़े हुए हैं। ऐसे ही इसी तरह से मेरठ में भी 2 सीटें उनको क्लियर हो गई, लेकिन वो मेरठ दक्षिण और या हस्तनापुर उनमें से 1 सीट चाहते हैं। अभी भी गढ़ या हापुड़ में से मतलब कोई भी सीट को छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि अनडिवाइडेड गाजियाबाद में जयंत को 3 सीटें दे दी गई हैं लगभग, लोनी, मोदीनगर और मुरादनगर। तो मोदीनगर तो चूंकि उनका हिस्सा है, बागपत संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, तो इसलिए उसको माना जा सकता है, लेकिन 2 सीट जो शहरी है, मुरादनगर और लोनी, तो दोनों शहरी सीट है, दोनों लोकदल को मिली है। तो चूंकि इनके मिजाज के, इनके परंपरागत वोटर यहां पर बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, और चूंकि ये गठबंधन बिल्कुल दूसरी तरह का हो रहा है, दोनों नेता जानते हैं कि उनके समर्थक इस समझौते को लेकर, इस गठबंधन को लेकर राजी भी दिख रहे हैं, और अगर ये गठबंधन टूटता भी है तो दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि वो 1 साल से किसान आंदोलन में पूरी सहभागिता निभा रहे हैं। किसान आंदोलन तो इसी तरह से कह रहे हैं कि आरएनडी का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, जो किसानों से जुड़ा हुआ उनका वोटर। अगर हम बागपत की बात करें, गढ़ माना जाता है आरएलडी का, बागपत, बड़ौद, छपरौली, 3 सीटों की बात सामने आ रही, जबकि छपरौली में एक ही विधायक जीता तो वो भी भाजपा में चला गया। तो क्या ये किसान आंदोलन का ही कॉन्फिडेंस है, कितनी मजबूती के साथ, इतने दावेदारी के साथ तमाम क्षेत्रों में सीटें मांगी जा रही हैं? जी देखिए अवधेश, ये अखिलेश यादव भी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ने पश्चिमी यूपी में आते हैं तो ज्यादा चुनौती हो सकती है, और लोकदल अगर अकेले चुनाव लड़ता है तो उनके लिए भी इतनी चुनौती है। तो दोनों ही की समझ में एक बात तो आ गई कि गठबंधन करना बहुत जरूरी है। फिर दोनों ने 2-3 बैठकों के दौर में, जब 2-3 बैठकें इनकी हो चुकी हैं लखनऊ में, दिल्ली में, 1-2 महीने से चीज़ें चल रही हैं, उसके पहले लोकसभा में दोनों का गठबंधन था, उसमें बसपा भी थी, बसपा अब नहीं है इनके साथ, तो उस समय, और आप और पीछे जाएंगे तो 2004 के लोकसभा में समाजवादी पार्टी और लोकदल मिलकर चुनाव लड़े थे, कई सीटें वेस्टर्न यूपी की 10 से 12 सीटें उन्होंने, 10 से 15 सीटें लोकसभा की जीत ली थी। तो ये एक स्वाभाविक तौर पर एक दोनों का गठबंधन बैठता है, और ये जो पिछली बार जो जैसा भी हुआ, जिस तरह का भी हुआ, चूंकि पिछली बार एक लहर, एक प्रचंड लहर इस तरह से थी, एक वेग के रूप में, एक तूफान के रूप में भारतीय जनता पार्टी आ रही थी, उसके बाद फिर अब जो स्थितियां बन रही है, तो अखिलेश और जयंत दोनों जानते हैं कि किसकी महत्ता कहाँ है। इसीलिए अगर आप जिले वाइज देखेंगे पश्चिम में भी, सहारनपुर में समाजवादी पार्टी बड़ा भाई है, मुजफ्फरनगर शामली में लोकदल बड़ा भाई है, इसी तरह से हर जिले में आप आगरा तक चले जाइए, आगरा में समाजवादी पार्टी ऊपर होगी, लेकिन 2 महत्वपूर्ण सीटें उनको देना और 1 करोड़ दावेदारी करना जयंत का, तो ये बताता है। और ये अवध की जो जिद जयंत ने की है कि हमें 1 सीट पश्चिम से बाहर चाहिए, 1 या 2 सीट, तो उस पर भी एक फार्मूला तैयार हो रहा है, और जो 3-4 सीटें हैं उन पर वो सीट भी विचार विमर्श उसके लिए चल रहा है जो पश्चिमी यूपी से बाहर की सीट है। तो अब ये कौन सी सीट होगी, कौन से जिले में होगी, ये देखना एक थोड़ा सा दिलचस्प रहेगा राजनीतिक विश्लेषकों के लिए। और इस समय जो धरातल पर इस तरफ जो एक किसान आंदोलन का जो एक माहौल बना हुआ है, जमीनी हकीकत यही है कि किसान आंदोलन का एक व्यापक असर है, बस उसको दोनों पार्टियां मिलकर उसको कैश करना चाहती है, और अगर ये कैश करने में कामयाब हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है, और ये दोनों लोग ये भी जानते हैं कि अगर दोनों एक साथ चुनाव नहीं लड़े तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल, पर अभी सहमति नहीं बन पा रही है जो डिमांड्स हैं। क्या 7 दिसंबर की मेरठ रैली से पहले ये सहमति बन जाएगी, औपचारिक ऐलान की स्थिति बन जाएगी? देखिए अवधेश, बहुत भरोसेमंद लोग बता रहे हैं जो दोनों के कैंप से जुड़े हुए हैं, खासतौर पर अखिलेश कैंप से भी जुड़े हैं, लोकदल कैंप से भी जुड़े हैं, और दोनों और बहुत ही भरोसे के लोग हैं, उनका कहना है 3 से 4 सीटों पर, मतलब ये जो सहमति बनाने की एक कोशिश हो रही है, इसमें ऐसा एक फार्मूला भी हो सकता है, मान लिया कोई सीट समाजवादी पार्टी लोकदल को दे देती है तो एक सिंबल का एक फार्मूला तैयार किया गया है कि सिंबल लोकदल का होगा और समाजवादी पार्टी का कोई नेता वहाँ से चुनाव लड़ लेगा, या समाजवादी पार्टी को सीट दे दी जाएगी, लोकदल का कोई नेता वहाँ से चुनाव लड़ लेगा। इन 36 सीटों के बाद इस तरह की परिस्थिति बनाने की, इस तरह का माहौल बनाने की, एक सहमति बनाने की कोशिश हो रही है, और जिनमें आगरा में 1 सीट और है जिस पर जयंत चाहते हैं, सहारनपुर में 1 सीट और है जिस पर जयंत चाहते हैं, बिजनौर की नजीबाबाद को भी जयंत चाहते हैं, क्योंकि वो भी उनके परंपरागत वोटरों से आच्छादित सीट है। तो ये जो एक पूरा गेम चल रहा है, जो पूरा राजनीतिक समझौता दोनों के बीच चल रहा है, जिसमें 90% पूरा हो चुका है, जो थोड़ी बहुत गुंजाइश बची है, मुझे लगता है कि 2-3 दिन में समझौते के पीछे क्या और क्या समीकरण है ये भी समझेंगे अजीत जी हमारे साथ। अभी सपा और आरएलडी गठबंधन को लेकर 40 सीटों पर सहमति बनी हुई है, लेकिन 4 सीटों पर अभी कुछ चीजें बाकी
बची हुई हैं जिस पर सहमति बननी है, लेकिन 36 सीटें लगभग तय हो गई हैं कि आरएलडी कहां कहां से चुनाव लड़ेगी। और इन सब के बीच बात करें अगर हम समीकरणों की, एक बार फिर से रुक करते हैं ब्यूरो चीफ अजीत सिग्राठी का। अजीत जी, सवाल यह भी उठता है कि अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 20% जाट है, 30-40% मुस्लिम आबादी है, और कुछ सीटों को मिला लें तो लगभग 55 सीटें प्रभावित होती हैं इस कॉम्बिनेशन से। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद ये कॉम्बिनेशन बिगड़ा था, तो क्या इस गठबंधन के बाद वो कॉम्बिनेशन फिर से सुधर जाएगा, फिर से वो साथ आ जाएंगे, इसकी संभावना दिखती है? देखिए अवधेश, अगर पिछले लोकसभा चुनाव 2019 पर आप गौर करेंगे तो 2019 में चौधरी अजीत सिंह लोकदल के बैनर पर मुजफ्फरनगर संसदीय सीट से चुनाव लड़े और 6400 वोट के आसपास से वो हार गए। तो मात्र ये बहुत बड़ा अंतर नहीं होता किसी लोकसभा में 6,000-6,500 वोट से हार जाना, और चौधरी अजीत सिंह का हार जाना एक बड़ी बात थी। और चूँकि वो बड़े नेता थे पश्चिम के और लोकदल के, पुराने किसानों का आंदोलन में साथ रहे, और इस किसान को पुनर्जीवित करने में जिस दिन यहाँ गिरफ्तारी हो रही थी नोएडा में गाजीपुर पर, तो उनका एक बड़ा एक सपोर्ट माना जाता है, और लोग कहते भी हैं कि उनके उन्होंने इसको जिंदा करने के लिए एक बड़ा काम किया। अब दूसरी बात यह है कि जब वो चुनाव हार गए तो हारने में बहुत कम मार्जिन था, तो चूँकि उस इलेक्शन में मुसलमानों ने बड़ी संख्या में वोट चौधरी अजीत सिंह को दिया। चूंकि वोटों का कॉम्बिनेशन जैसा अभी आपने बताया कि अगर मुसलमान वोट नहीं देते तो चौधरी अजीत सिंह को करीब 1-1.25 लाख वोटों से हारना चाहिए जी। अब चूंकि ये अभी आपने बताया कि ऐसी ये 55 से ज़्यादा सीटें हैं जिन पर ये दोनों का कॉम्बिनेशन चुनाव जीता ही देता है, मतलब वहाँ पर कोई निर्णायक भूमिका नहीं या वहाँ पर कोई चुनाव को प्रभावित करने की बात नहीं, तो वहाँ पर इन 55-60 सीटों पर ये दोनों का कॉम्बिनेशन सीट को जिता देता है, तीसरे की किसी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो जैसे किसान आंदोलन की बात है, किसान आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश में और आसपास के राज्यों में जिस तरह से किसानों में माहौल ये बना हुआ है, एक तो उस पर समाजवादी पार्टी और लोकदल की निगाह लगी हुई है। दूसरा, आप पश्चिमी यूपी के ग्रामीण परिवेश पे जब भी जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो उनको चौधरी अजीत सिंह की 2019 की हार अभी भी उसका मलाल उन लोगों को होता है कि चौधरी अजीत सिंह 2019 में मुजफ्फरनगर जैसी एक खांटी लोकदल सीट से चुनाव हार गए, और वो मलाल उनके भीतर है। और समाजवादी पार्टी और लोकदल के लोगों का तो ये कहना है, वो ये दावा भी कर रहे हैं कि लोगों के मन में उस हार का बदला लेने की टीस भी छुपी हुई है, जिसकी वजह से इस बार वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ने की उम्मीद बढ़ सकता है। और कौन कौन से समीकरण इससे गठबंधन के साथ आएंगे, क्या तस्वीर बनेगी?